हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है क्लिपिंग मेथड के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैच में तीन क्लिप लगी हुई है और सामने में जो है वो टेप के लिए छोड़ा गया है। टेप वो लगाते हैं जिनका सामने के हेयर नहीं होते, जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने के हेयर हैं लेकिन क्या है कि बहुत ही कम हेयर हैं। ऐसे में अगर क्लिपिंग लगाएंगे ना तो ये भी हेयर बहुत जल्दी निकल जाएगा और सपोर्ट ज़्यादा नहीं लेगा। इसलिए क्या है कि मैं यहाँ पर टेप लगाऊंगा और थ्री साइड पर क्लिप लगाऊंगा। तो ये क्लिपिंग सिस्टम लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें। क्लिपिंग का जो साइड इफेक्ट होता है मैं वो भी बता देना चाहता हूँ लगाने से पहले। ये जो क्लिप जहाँ पे लगते हैं रेगुलर, जहाँ पे आप देख रहे हो अगर यहाँ पे क्लिपिंग लगा रहे हैं, ये जो क्लिप लगता है रेगुलर, अगर आप बहुत ही टाइट करके लगाते हैं ना तो वहाँ का हेयर निकलने का चांसेस होता है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का कंप्लेन होता है कि मैं क्लिप लगाता हूँ और मेरे हेयर जो होते हैं वहाँ से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो इस क्लिप को अपने हेयर पे कैसे अटैच करें ताकि ये बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मैं इस पर बात करने वाला हूँ। और क्लिपिंग सिस्टम बहुत सारे लोग ले तो लेते हेयर पैच लेकिन लगाने में उनको बहुत परेशानी होती है। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत ही इजी आपको मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाए आपका हेड पे और आपको पेन ना हो ज़्यादा और आप इजी इंस्टॉल कर पाएँ आप अपने हेड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैच में क्या है कि तीन क्लिप है और सामने में टेप लगानी है। तो सामने में टेप लगाने के लिए क्या है कि पहले एक किसी भी सीजर से टेप को कट करेंगे और सामने की तरफ में इसे हम इस तरीके से टेप लगा देंगे। इस तरीके से टेप लगाएंगे, ये जो टेप लगी गई ना, ये जो बॉर्डर जो एंड होते हैं उसके बाहर नहीं होनी चाहिए, वरना क्या फिर टेप दिखेगा। तो इसका ध्यान रखना है कि टेप बाहर ना आए बॉर्डर के, इसका आपको ख्याल रखना है। और थोड़ी सपोर्ट देने के लिए थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या तो एक टेप में भी काम चल सकता है। ये सामने की तरफ में टेप लगा लिया मैंने। टेप लगाने बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो सामने का जो टेप लगाएंगे क्या डेली चेंज करना होता है। तो ये मैटर करता है टेप के ग्लू के ऊपर में। अगर देखिएगा ये ग्लू अभी भी है, एक दिन बाद या दो दिन बाद जब आप निकालते हैं और ग्लू है इस पे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि ये मान लीजिए इसकी ग्लू खत्म हो गई पूरी, इधर पे आप ग्लू नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप इस टेप को चेंज करो, आप कहीं ऐसी जगह है जहां पे आपके पास टेप ही ना हो, तो अब ये क्या है कि स्किन में आपका चिपक भी नहीं रहा है सही तरीके से। तो आप क्या करें, आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि इस टेप को आप पूरी से पूरी के पूरी आप निकालेंगे सही तरीके से। इस तरीके से निकालना है, निकालने के बाद में सेम टेप को क्या करना है, ये जो टेप ऊपर की तरफ थी उसको नीचे कर देंगे और जो नीचे जो थी उसको ऊपर कर देंगे। आप ऐसा कर करके भी काम चला सकते। जो नीचे की तरफ होती है उसके ग्लू काफ़ी ज़्यादा रहते हैं बची हुई, तो ये जो नीचे वाली जो ग्लू थी ऊपर आ गई, तो आप दोबारा से फिर आप अपने हेड पे इंस्टॉल कर सकते। तो दोस्तों, मैं अब करने जा रहा हूँ इंस्टॉल अपने हेड पे। तो आप एक एक पॉइंट आप आराम से देखें और समझें कि इस जो टेप का जो पोजिशन है हमारा सामने में, यहाँ पे ये चिपकेगा क्योंकि हमारा हेयर लाइन है। तो मैं वहीं से इस पैच को चिपकाने वाला हूँ। आप देख सकते इसे इस तरीके से लगाना होता है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से लाग पकड़ना है आपको, ला करके जहाँ से आपका हेयर लाइन फोरहेड साइज होता है वहाँ पे रख कर इसे प्रेस कर देना है, मीन्स चाप देना है। इस तरीके से चापने के बाद में क्या करना है, फिर पीछे की तरफ बढ़ना है। बढ़ने के बाद में इस क्लिप को, ये जैसे कि देख रहे बंद है लेकिन मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब इस क्लिप को क्या है, स्टैंड करना है ऐसा, है ना, स्टैंड करके यहाँ पे हेयर है हमारे। अब इस तरीके से फ्लैट कर देनी है। क्या कर रहा हूँ मैं, अब देख लो ये स्टैंड है। स्टैंड क्लिप को क्या कर रहे हैं, जस्ट हेयर में फंसाना है और फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद में ऊपर से चाप देनी है, ये लॉक हो गए। अब जब दूसरी क्लिप जब लॉक करेंगे, ये वाली जब क्लिप लॉक करेंगे, तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि इस तरीके से टांगते हैं, खींचते इस तरफ से राइट साइड में, क्या करते खींचते, लेकिन खींचना नहीं चाहिए। अगर जब इसे आप खींचेंगे ना तो इस क्लिप पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा, मतलब टाने का बहुत ज़्यादा और चोट लगेगा। तो इसे खींचना नहीं है, इसे आप लगाने के बाद में ये क्लिप समझ लो आप जहाँ पे है वहीं पे प्लेसमेंट करनी है। तो इस क्लिप को क्या करेंगे, एग्जैक्ट वहीं इसकी प्लेसमेंट की जगह है, इसे टांगना नहीं है, ये इसका मेन पोजिशन है। अब यहाँ पर भी इसे स्टैंड किया और फ्लैट किया, देख पा रहे हो आप इस क्लिप को, ये स्टैंड है, फ्लैट हुआ और ऊपर से प्रेस कर दिया, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद ये जब ये क्लिप बच गई, अब इसे पीछे की तरफ जाएंगे और इसे भी बहुत सारे लोग ऐसा टांगते, टांगना नहीं है। ये दोनों क्लिप होने के बाद में इस तरीके से जब आप करोगे तो इसकी प्लेसमेंट की जगह ये है, इसे टांगना नहीं है।
तो जहाँ पे क्लिप की प्लेसमेंट की जगह होगी वहीं पे प्लेस उसको कर देना है। अब इसको स्टैंड किया और इसे फ्लैट किया, अब देख पा रहे ये स्टैंड किया और ये फ्लैट किया, फ्लैट करने के बाद में क्या ऐसे लॉक कर दिया, लॉक हो गए। लॉक करने के बाद में हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे, जैसे कि ये पैडल ब्रश का होना बेहद ज़रूरी है। आप अगर हेयर पैच चूज करते हैं तो ये पैडल ब्रश का रहना आपके पास बेहद ज़रूरी है। आप आराम से कॉम कर सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कॉम कर रहा हूँ इजली। तो ये है फायदा आपको ये पैडल ब्रश रहने का, पैडल ब्रश रहना बेहद जरूरी है। पैडल ब्रश रहने से क्या होता है कि चोट ज़्यादा नहीं लगेंगे और पैच को ज़्यादा होगा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं मेरी ये स्टाइलिंग हो चुकी है लगभग। जस्ट जनरली ये मैंने आपको समझाने के लिए आज क्लिपिंग सिस्टम के ऊपर में हेयर पैच लगाने का जो सिस्टम था मैंने बताया आपको। अब इसी पे मैं आपको निकालने का, बहुत सारे लोग करते क्या है जब क्लिपिंग हेयर पैच निकालते तब भी कुछ लोग जो है ना कि गलत मेथड अपनाते ताकि हेयर में इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगता है। अब जो मैं बताने वाला हूँ क्लिप को खोलने का तरीका, आप देखेंगे ये क्लिप के पास जब जाएंगे आप, क्लिप ये है क्लिप, क्लिप के जाने के बाद दोनों जो फेस दोनों जो एंड है क्लिप का, दोनों क्लिप का एंड को पकड़ना है और ये जो फिंगर होगा ना एकदम क्लिप का मिडिल में, क्लिप का मिडिल में जस्ट पुश कीजिएगा क्लिप खुल जाएगी, इजी है ना। क्लिप का मिडिल में पुश करेंगे, ऊपर से पुश करेंगे, इजी खुल जाएगा। उसके बाद में फिर इस क्लिप को खोलेंगे, आप देख सकते हैं ये क्लिप का दोनों एंड है, ये दोनों एंड है, दोनों एंड को पकड़ लिया हूँ। अब इस फिंगर का इस्तेमाल करके क्लिप का जो मिडिल जो पोजिशन है इसे जस्ट पुश कर दूंगा, खुल गया। अब इसे भी खोल लेंगे लेफ्ट साइड की, आप देख सकते हैं क्लिप मैंने पकड़ा, क्लिप पकड़ने के बाद में इस फिंगर का इस्तेमाल किया और क्लिप का एकदम मिडिल में मैंने पुश किया, ये खुल गया। खुलने के बाद में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना एक बार में ही पैच को टान के निकाल लेते हैं, जिनके कारण ये होता है ये क्लिप तो खुल गया लेकिन क्लिप में अभी भी बहुत सारे हेयर फंसे हुए हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोग जब निकालते हैं हेयर पैच तो उनका हेयर बहुत जल्दी वहां से रिमूव हो जाता है। तो ये सब गलती आप लोग ना करें। निकालने का सबसे अच्छा तरीका होगा, देखिए क्लिप बहुत सारे फंसे हुए हेयर अभी भी आप देख सकते हैं, तो इस जो फंसे हुए हेयर को क्या करेंगे हल्का सा उठाएंगे और इसे फिंगर से साइड करेंगे। अब इस क्लिप में देखिए कितने हेयर फंसे हुए हैं, अब इसको पहले क्या करेंगे फिंगर से साइड करेंगे, इस तरीके से साइड करेंगे। अब इसके बाद में ये वाला को भी अब साइड करेंगे, इस तरीके से साइड हो गए। अब इसे इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। गाइस मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो मैंने जो बनाया क्लिपिंग मेथड पे बहुत ही आसान तरीका के लिए बनाया आप लोगों के लिए, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें अगर हेयर पैच के रिलेटेड से कोई समस्या है आपकी, अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हेयर पैच के रिलेटेड या कोई मेथड को लेकर आप परेशान हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हैं क्लिपिंग मेथड के ऊपर में उनको ये वीडियो मिले और वो आसानी से यूज कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, दुआओं में याद रखें।